गैस सेक्टर पे ही सीएलएस की एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई जो सीएनजी पर है, जिसकी गाड़ी चलाते हैं वरुण। हाँ वरुण बताइए, उस गाड़ी में नहीं, रिपोर्ट में क्या कुछ खास कहा गया है? अनिल जी इसमें दो चीजें, एक तो स्पॉट एलएनजी की बातें इन्होंने की है और दूसरा सीएनजी के ऊपर इनकी है। तो सबसे पहले तो स्पॉट एलएनजी में अगर आप देखेंगे तो स्पॉट एलएनजी के दाम जो है वो इस साल के यानी कि कैलेंडर ईयर 2024 के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। और देखिए स्पॉट एलएनजी के दाम अगर बढ़ते हैं ना तो इसका फायदा अगर आप देखेंगे तो दरअसल गेल, जेएसपीएल, पेट्रोनेट, एलएनजी ये तमाम वो कंपनीज है उनको होता है, क्योंकि खासकर अगर आप देखें तो ये कंपनीज ही है जो कि भारत में एलएनजी को इंपोर्ट करती है। और आपको याद होगा जब स्पॉट एलएनजी के दाम गिरे थे तो किस तरह से गेल और पेट्रोनेट एलएनजी के रिजर्व जो है उस पर इसका इंपैक्ट देखने मिला था, तो ये एक अच्छी बात है, तो इसके चलते यहाँ पर नजर रखिएगा। इसके अलावा सीएलएसए का कहना यह भी है कि अप्रैल में भारत की गैस की खपत जो है उसमें 16% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है, खासकर सिटी गैस, पावर और रिफाइनरी जो है वहाँ पे डिमांड जो है काफ़ी बेहतर रही है। ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो पावर सेक्टर में 29%, सिटी गैस में 16%, फर्टिलाइजर के तरफ से भी है, इंडस्ट्रीज के तरफ से भी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो खपत काफ़ी बेहतर रही है। इसका बेसिकली अगर आप फायदा देखेंगे तो सीएनजी का अगर आप देखेंगे तो इसमें जिस तरह से बिक्री में तेज़ी हुई है, वाहनों की बिक्री भी अगर आप देखेंगे तो मई के महीने में 42% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है सीएनजी वाहन की बात कर रहा हूं मैं, और गुजरात में अगर आप देखें तो 34% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। नो डाउट पेट्रोल और डीजल की ओवरऑल मांग जो है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन खासकर सीएनजी व्हीकल्स और सीएनजी के ओवरऑल वॉल्यूम जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। तो इसके चलते आपको जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जैसे कि एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस, इन पर फोकस करना है। हालांकि गुजरात गैस मोर ऑफ इंडस्ट्रीज है, इसके लिए उसको आप छोड़ दीजिए, और इनको एंजियल ज़्यादा पसंद है क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो एंजियल ज़्यादा अट्रैक्टिव इनको लगता है। ओके, तो ये है सारी की सारी राय आपके लिए ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर पर। एचपीपीपी, आईओसी, जरा सुदीप जी राय दीजिए क्या क्या पसंद है आपको और कितने ज़्यादा। अनिल जी अगर ये सारे चार्ट्स को मैं साथ में देखूं तो मुझे लग रहा है कि बीपीसीएल और एचपीसीएल ज्यादा पसंद है मुझे आईओसी के मुकाबले। बिकॉज अगर हम देखें बीपीसीएल में तो एक बढ़िया सा एक अपू 350 रुपए के आसपास से अक्टूबर 2023 से चालू हुआ था, जो फरवरी 2024 के आसपास 690 के आसपास स्टॉक गया था। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे एक टाइम वाइज करेक्शन देखा गया था ये दोनों स्टॉक्स में, हालांकि चौपीनेस ज्यादा थी, मतलब अगर 560 से 680 और फिर वापस 560, मतलब काफी वॉलेटिलिटी चौपीनेस थी, पर वो एक रेंज के अंदर एक ही दायरे में ट्रेड कर रहा है और वो भी बड़े से रैली के बाद अब ऊपर के टॉप के 15-20% के अंदर ही वो जो हिसाब से कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड तेज है यहाँ पे। बीपीसीएल और एचपीसीएल अगर दोनों की बात करें तो 625 एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर लेवल है, 620 से 25 के बीच में, इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तो मुझे लग रहा है 625 के ऊपर 670-680 के लेवल्स जरूर से यहाँ पे आ सकते हैं, ये कंडीशनल लेवल है। और एचपीसीएल की यदि बात करें तो सिमिलरली एचपीसीएल में भी 543 का जो लेवल है इसके ऊपर मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, तो ये दोनों लेवल्स ध्यान में रखें और इसके ऊपर सस्टेन करने पर ही यहाँ पे पोजिशनल तेजी कर सकते हैं। ये है आपके लिए बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी जैसी कंपनियों पे एक्शन भरपूर।